नमस्कार, मैं हूं गुरलीन कौर और आप देख रहे हैं बीएस लाइव न्यूज। चलिए देखते हैं आज का समाचार। पूर्व माध्यमिक एवं प्राथमिक विद्यालयों का बीएसए ने किया निरीक्षण। महोबा ब्यूरो संतोष कौशिक की विशेष रिपोर्ट। विकासखंड पनवाड़ी के क्षेत्र के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालय का बेसिक शिक्षा अधिकारी अजय कुमार मिश्रा ने नगाराघाट, बराना, नेकपुरा आदि विद्यालयों का निरीक्षण किया गया, जिन विद्यालयों में शिक्षक अनुपस्थित मिलने पर कार्यवाही की बात कही। विकासखंड पनवाड़ी के कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय बैदो का निरीक्षण के दौरान विद्यालय में शिक्षक बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराते पाए गए। विद्यालय में छात्र छात्राओं की संख्या 58 पंजीकृत है। शिक्षक इंचार्ज प्रधानाध्यापक रुद्ध कुमार कौशिक, सहायक अध्यापक सलीम अंसारी विद्यालय में मौजूद बच्चों को शिक्षा का पाठ पढ़ाते हुए मिले। वहीं बीएसए ने छात्र छात्राओं से सामान्य ज्ञान की जानकारियां दी और सामान्य ज्ञान के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे, जो बच्चों ने संतोषजनक उत्तर दिया, जिससे बीएसए खुश नजर आए। उन्होंने विद्यालय के लिए एक माह के अंदर स्मार्ट टीवी लगवाने का आश्वासन दिया और कहा कि आज की बढ़ती डिजिटल तकनीकी में स्मार्ट टीवी से बच्चों को नई तकनीकी जानकारियां मिलती हैं। वहीं विद्यालय की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से पाए जाने पर सराहना भी की और जिस विद्यालय में शिक्षक समय पर उपस्थित ना मिलने पर कार्यवाही की बात कही। बीएससी के इस निरीक्षण से शिक्षकों में चर्चा का बाजार गर्म रहा। आप देख रहे हैं बीएस लाइव न्यूज चैनल। चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद। हमारे टीचर नहीं जानते हैं, इनको नवोदय में भी करा दिया करो ना बेटा, क्या किया करो। जैसे नवोदय में कक्षा 9 में सीटें रिक्त हो जाती हैं, उसका आप लोग पता कर दिया करो। जहाँ जहाँ सीटें खाली हैं, इनका आवेदन कराया करो। एग्जाम होगा, पास हो जाएंगे, इनका बढ़िया क्या हो जाएगा, पास हो जाओगी। कन्याओं के उत्थान के लिए बिल्कुल आ गई सर हमारी। ठीक, उनके पत्रकार बंधु जी सर।